Good morning. You said that you needed me. Like a cargo, you will carry me. I just hope you. Aur aaj shayad papa kuch acha khana bhi banayenge. तो जो भी प्लान था पूरा चौपट हो गया। I'm really looking forward to today's dinner. Hey guys, good morning. और आज है Thursday और इस घर में shift करने के बाद I think मैंने एक भी vlog ऐसा नहीं बनाया कि इस vlog में पूरे दिन हमारा कैसा चलता है, क्या करते हैं हम, कैसा routine है. अब routine में कुछ खास change तो नहीं हुआ है, बस just हाँ थोड़ा बहुत चीज़ें बदल गई है क्योंकि नया घर है तो दूसरे चीज़ों की tension ज़्यादा होती है और हमें थोड़ा ये घर सजाने का भी बहुत मन है. तो बहुत से टाइम ये ऑफिस जाने से पहले हम लोगों का बीत जाता है प्लानिंग में कि यहाँ पे क्या लगाएंगे, वहाँ पे क्या लगाएंगे और कुछ ना कुछ हम ऑर्डर करते रहते हैं उसको ढूंढ के. कुछ चीज़ें नहीं मिली है जो शायद दुकान में जाके लेना पड़ेगा. तो ऐसा ही है हमारा लाइफ यहाँ पर. और फिलहाल बन रहा है चाय, मॉर्निंग वाली कड़क चाय. और कियारा फ्लरी के बाथरूम में घुसी है. क्यों क्यों पता नहीं वो क्या सूखती रहती है. बट इस घर में हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं अब तक क्योंकि यहाँ पे ना उतनी गर्मी नहीं है. हम अभी भी टॉप फ्लोर में रहते हैं बट उतनी गर्मी नहीं है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट धूप नहीं आती. सुबह की धूप आती है थोड़ी बहुत, जैसे कि इस साइड पे आप देख रहे हो सुबह की धूप आती है बट आफ्टरनून का धूप नहीं आता है उतना. इसलिए घर बहुत ठंडा रहता है, काम रहता है. और फ्लरी कियारा भी इसलिए बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है, कंफर्टेबल फील कर रही है. पापा जिस रूम पे सो रहे हैं, पापा और प्रशंजीत, उसमें बहुत हवा आती है. वो मेन रोड फेसिंग है अभी तो बहुत ठंडा है, बहुत हवा आती है. और हाँ मतलब रात से सुबह के ये 11 साढ़े 11 तक वो रूम बहुत ठंडा रहता है. तो ये सब मिला के दिस हाउस गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम मी. मैं थोड़ी सी रिलैक्टेंट थी टॉप फ्लोर में आने के लिए फिर से, क्योंकि पहले 3 साल मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है. तो मैं इसको वही बोल रही थी कि फिर से टॉप फ्लोर में क्यों जाना है. बट जो इसने कहा था वही हुआ. वी आर एक्चुअली इन्जॉइंग. और टॉप फ्लोर में रहने का मज़ा तो है बट हाँ उस घर में कुछ कुछ डिसएडवांटेज था जो इस घर में थोड़ा सा कम है वहाँ से. और अभी थोड़ा बहुत बारिश भी शुरू हो गया है बैंगलोर में. ऐसा नहीं गर्मी थोड़ा बहुत कम हुआ है बट बैंगलोर वेदर हैज़ चेंज ड्रास्टिकली देन लास्ट ईयर, है ना. लास्ट ईयर ऐसा होता था कि 3-4 दिन अगर बहुत गर्मी तो उसके बाद लगातार बारिश होती थी और मई के फर्स्ट वीक से हमेशा शाम को बारिश होती है. बट इस बार ऐसा नहीं है, इस बार कंसिस्टेंटली गर्मी चल रही है और कभी कभी शायद 15 दिन में एक बार बारिश हो रहा है. तो इसलिए और ह्यूमिडिटी भी इस बार बहुत ज़्यादा है. जो पहले यहाँ पर स्वेटिंग नहीं होती थी अभी बहुत स्वेटिंग हो रही है इस साल. चलो इंसान बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, वेदर भी बदल रहा है, क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे. और फिलहाल पियेंगे चाय और आज शायद पापा कुछ अच्छा खाना भी बनाएंगे. मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पापा क्या बना रहे हैं. क्यों क्यों ओहो ये है कियारा, ये है बहुत काट रही है लास्ट 2 दिन से फिर से. खाना खाना है क्या कियारा? खाबी अभी खाना खाने गई है. गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग मम्मा. उठे पड़ो तो मेरा सुबह उठ के जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है कि क्या खाना बनेगा वो मेन्यू डिसाइड करना और उस हिसाब से सब्जियाँ और चीज़ें बाहर एक साथ रखना.
ताकि जब खाना बनाने आएंगे तो उनको सब कुछ रेडी मिले, और अगर फिश या नॉनवेज कुछ बनना है तो उसको ज़रूर डिफ्रॉस्ट करना। मामा जाओ सुसु को रेशो, आज पापा एक आइटम बना रहे हैं तो इस हिसाब से मैं बाकी का मेन्यू डिसाइड करती हूँ। चाय पीने से पहले जितना भी टाइम है मेरे पास, दीपांजन फ्रेश हो रहा है तो मैं उसमें अभी सुबह बैठ के आप लोगों की कमेंट्स पढ़ रही हूँ और रिप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आई गेस दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट माय डे। आप लोग इतने पॉजिटिव बातें लिखते हो, इतने अच्छे अच्छे बातें लिखते हो, थैंक यू सो मच गाइज। मैं जितने कमेंट्स पढ़ रही हूँ मेरा अंदर से मैं उतनी ज़्यादा स्ट्रांग बनती जाती हूँ यहाँ पर कमेंट्स पढ़ के आप लोगों की, कि इतने सारे लोग मेरे साथ हैं तो मैं उसी का रिप्लाई कर रही हूँ अभी, और उसके बाद पियेंगे चाय। यारा बदमाशी किए जा रही है नीचे। मेरा गुड्डू बच्चा, गुड्डू बच्चा गोदी में आया, गुड्डू बच्चा, गुड्डू बच्चा तो उठे के चिलो सुसु सुसु करे गेलो। And this guy loves Maggie so much कि मैगी खाने के लिए कभी कभी जल्दी ऑफिस जाना चाहता है। हट। और यहाँ पे मेरे पापा बैठ गए हैं अपने काम में। ये है मोचा विच इज बनाना फ्लावर, काटा जा रहा है, विच इट सेल्फ इज अ वेरी टीडियस टास्क। की बार को छोटे भेतर थे के? काठी अच्छा, ये हर एक फ्लावर के अंदर एक कुछ रहता है ऐसे स्टिक, बहुत ही हार्ड टाइप का, हाँ उसको निकालना जरूरी है। बहुत सारा हो भी गया है और बाकी का चल रहा है। और ये फ्लावर्स को कैसे निकालते हैं ये भी दिखाती हूँ। ये बनेगा बाद में प्रिपरेशन, कुक चले जाने के बाद। फिलहाल पापा सारे अरेंजमेंट्स करके रख रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाए। यहाँ पे फ्लरी कर रही है ब्रेकफास्ट, कियारा का ब्रेकफास्ट हो गया है, बट कियारा हमेशा दीदी के साथ। मैं जनरली पहले से प्लानिंग बहुत कम चीज़ों में करती हूँ, आज शायद फॉर अ चेंज मैंने अपना डे प्लान किया था कि सुबह जब तक कुक खाना बनाएगा, पापा खाना बनाएंगे, तो ब्रेकफास्ट करके जितना भी टाइम मुझे मिलेगा मैं यूट्यूब का काम करूँगी, उसके बाद किचन विचन क्लीन करके मेरी हेल्प आ जाएगी, वो घर साफ़ कर देगी, हम नहा धो के खाना खा के फिर मैं दोपहर को यूट्यूब का काम करूँगी। ये शायद बहुत दिनों के बाद मैंने अपना डे ऐसे प्लान किया था जो बिल्कुल ही फ्लॉप रहा, क्योंकि जैसे ही हम अराउंड 9 o'clock आई गॉट टू नो कि मेरा कुक नहीं आ रहा है आज, तो हमने फटाफट मैगी बना के ब्रेकफास्ट का तो वो काम कर लिया, क्योंकि पापा भी किचन में कुछ कर रहे थे तो उतना जगह नहीं था। और पापा अभी रख देंगे ये बनाएंगे शाम को, क्योंकि मुझे अभी बनाना पड़ेगा खाना। फिश विश मैंने सब कुछ डिफ्रॉस्ट कर लिया था तो अभी मैं बना लूँगी। तो जो भी प्लान था पूरा चौपट हो गया, अब मुझे फिर से नए से प्लान करना पड़ेगा। मतलब खाना बनाने में 1-2 घंटा तो लग ही जाएगा, कितना भी कम खाना बनाओ कि, बट उसके आगे पीछे भी काम रहता है, सब्जी काटो, फिर किचन क्लीन करो, फिर उसके मसाले बनाओ, तो काम तो रहता है। देखती हूँ जितना सिंपली हो सके कर लेती हूँ। मेन्यू है, मैंने यहाँ पे मसूर दाल बॉईल कर लिया है, मैं ज़्यादा दाल बॉईल करके फ्रिज में रख देती हूँ, उससे थोड़ा थोड़ा निकल के एक एक दिन एक एक टाइप का छौंका लगा के यूज़ करती हूँ फिलहाल। और बनाऊँगी भिंडी आलू की सब्ज़ी, आप मेरे ब्लॉग में बहुत भिंडी की सब्ज़ी देखते हैं ना, क्योंकि हम भिंडी बहुत खाते हैं गर्मी के टाइम। और बनाएंगे फिश बनाऊँगी नॉर्मल जिंजर टोमेटो पेस्ट और जीरा पेस्ट से। तो बना लेते हैं फटाफट खाना,
और उसके बाद जितना मैं आधा कमेंट का रिप्लाई की बस फिर ये हो गया। अब मैं फिर से खाना बना के जाऊंगी, बाकी कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। मुझे वीडियो भी एडिट करना है, मुझे कुछ ट्यूटोरियल्स भी देखना है एडिटिंग का, बहुत सारा काम है पर करूंगी मैं आज सब कुछ। हेलो गाइस, मैं खाना बनाते बनाते गायब नहीं हो गई थी, मैं थोड़ा काम में बिज़ी हो गई थी और इसलिए मैं शूट कम कर रही थी ताकि मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ। तो पापा का खाना हो गया विच इज़ अ गुड थिंग। टाइम इज़ नाउ 2:35। आई एम सुपर लेट टुडे। मैं अभी नहाई हूँ क्योंकि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर रही थी मेरे लास्ट वीडियोज़ के, एंड वेन एवर आई रिप्लाई आई रीड एवरी कमेंट 2 times or 3 times एंड देन ओनली आई रिप्लाई। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, उसमें ही मुझे पता ही नहीं चला कब 2 बज गया। तो फाइनली मैंने नहा लिया है एंड अभी मैं बेबीज़ को दे दूँगी उनका खाना जो यहाँ पे मैं भिगो के गई थी नहाने। सो उनको खाना दूँगी, उसके बाद मैं लंच करूँगी। ओके मामा, फाई कम मामा, कम मामा, ये चो चलो, हाँ जाओ खेलो। दो आई कुक्ड फुल ऑन टुडे बट आई एम नॉट गोना हैव दैट इन लंच। आई एम गोना हैव माई फेवरेट चिकन टेरियाकी सब, क्योंकि रात को भी आज हमें राइस खाना है। पापा जो आइटम बना रहे हैं वो राइस के साथ ही बेस्ट लगता है और मैंने भी फिश बनाए हैं तो मैं खाऊंगी रात को राइस, इसलिए मैं सुबह राइस नहीं खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ सब। मुझे एक्चुअली एक्सक्यूजेस चाहिए होता है ये खाने के लिए और कुछ नहीं है, तो मैं आज ये इन्जॉय करूँगी लंच में। मैं शायद पहली बार बात कर रही हूँ मेरी बेडरूम वाली बालकनी से इस घर की। तो अभी बज रहे शाम के 6 और हमने दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट लिया। मैं सोई नहीं, मैं बस ऐसे ही लेटी हुई थी, फ़ोन में कुछ चीज़ें देख रही थी और पापा फिर से लग गए हैं प्रिपरेशन में। और मैंने थोड़े से कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल के सोई थी, वो अभी सुखाने दूंगी। एंड दीज टू आर ऑल्सो हियर। फ्लोरी क्यों है, क्यों नीनी हुआ, मामा नीनी हुआ, आ गुड गर्ल। फ्लरी बिल्कुल सीख गई है हाई बोलना। तो अभी ये है हमारे बालकनी का व्यू, ये जो सामने जगह आपको दिख रही है दिस इज़ आर एम्फी थिएटर जहाँ पे सोसाइटी के छोटे छोटे प्रोग्राम्स या कुछ भी होता है। एंड यहाँ पे एक बंगलो है जिसमें एक जर्मन शेपर्ड है, वो हमेशा भागता है और ये दो भाग भाग के देखने आते हैं बालकनी में कि कौन भाग रहा है। गुड इवनिंग, यहाँ पे चल रहा है पापा स्पेशल रेसिपी, बनाना फ्लावर विथ ग्रेटेड कोकोनट, जिसमें कोकोनट अभी तक डला नहीं गया है, कोकोनट यहाँ पे ग्रेट करके रखा हुआ है। की दिए छो बाबा तेले फोड़न दे और तेजपत्ता सादा जीरे। ओके, तो व्हाइट ऑयल में डाला गया है तेजपत्ता और क्यूमिन सीड्स और मोचा और ग्रीन हाँ और ग्रीन चिली, स्लीटेड ग्रीन चिलीज, उसके साथ अभी इसको टॉस किया जा रहा है। थोड़ा हल्दी, थोड़ा मिर्चा, थोड़ा ये, अच्छा थोड़ा हल्दी, थोड़ा रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा जीरा पाउडर और थोड़ा जीरा पाउडर भी उसके साथ इसको अभी मिक्स किया जा रहा है। शुगर एंड सॉल्ट वो भी दे दिया और शुगर एंड सॉल्ट भी डल गया। आई एम सॉरी, मैंने सारा स्टेप मिस कर दिया क्योंकि मैं फोन पे बात कर रही थी।
इसका ये हम साल में एक ही बार खाने को मिलता है, या तो कोलकाता में जाके खाते हैं या तो पापा जब यहाँ पे आते हैं तब बनाते हैं, क्योंकि मुझे ना तो ये बनाना फ्लावर काटना आता है और ना ही मुझे इतना टीडियस खाना बनाने में इंटरेस्ट भी है। सच बात यह है तो मैं जनरली नहीं बनाती हूँ ये घर पे, तो कुछ चीज़ें ऐसे ही स्पेशल लोगों के हाथों से खाना अच्छा लगना चाहिए, तो उनके स्पेशलिटी रहते हैं उसमें। और यहाँ पे कियारा पता नहीं क्या ढूंढ रही है। कियारा किसके पीछे पड़ी हो? हाँ फ्लाई, हाँ फ्लाई फ्लाई फ्लाई। फ्लरी और कियारा बालकनी में बहुत देर तक खेल रही थी जब से मैंने कपड़े सुखाने गए थी। फिलहाल फ्लरी बहुत टायर्ड हो गई, कियारा ने उसको बहुत परेशान किया है। बेचारी बीच में एक बार बाथरूम में जाके घुसी थी, अभी इधर आके रेस्ट ले रही है बेचारी। अभी पापा ने ग्रेटेड कोकोनट भी डाल दिया है और इसको मिक्स किए जा रहे हैं। आते भी चुको अच्छा कतक्षण मिक्स करो अच्छा, जब तक ये अच्छे से मिक्स हो जाता है तब तक ही मिक्स करना है। तो नाड़िए जाते अबे ना ना ले लेके ले जाबे ना, यू हैव टू कीप स्टिरिंग अदरवाइज ये पैन के नीचे स्टिक हो जाएगा। तो अभी डाला गया है एक टीस्पून घी, क्वार्टर टीस्पून गरम मसाला, क्वार्टर टीस्पून गरम मसाला। अच्छा तो क्वार्टर टीस्पून गरम मसाला और एक टीस्पून घी हो गया रेडी। बनाना फ्लावर की सब्जी, एक्चुअली इसके प्रिपरेशन में जितना टाइम लगता है बनाने में उससे आधा टाइम भी नहीं लगता है। बनाना इजी है, बस प्रिपरेशन इज वेरी टीडियस, दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड। और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडेज डिनर, बहुत यमी लग रहा है मुझे। राइस बनाऊंगी और हम आज जल्दी खाना खा लेंगे, दीपांजन भी आ रहे हैं ऑफिस से। एंड लुक एट दिस, जैसे ही शाम को ट्यूब ऑन करूँ ये हनी बीज आ जाते हैं कहीं से, वेरी इरिटेटिंग। बैंगलोर में हनी बीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली ड्यूरिंग समर। आप में से बहुत से लोग रूम टूर के लिए बोले थे, गाइस मैं रूम टूर ज़रूर दूंगी, मेरे दिमाग में है मैं कैसे डेकोरेशन कर रही हूँ, वो मैं दूंगी 15th के बाद। बिकॉज वी आर होपिंग कि 15th तक कुछ सामान जो ऑर्डर किया है वो आ जाएंगे, और वो नहीं आएंगे तो बहुत सारी चीज़ हम खरीद के रखे हैं जिसको रखने का जगह नहीं है, तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। 15th के बाद ज़रूर आपको मिल जाएगा, मैं भूल नहीं गई हूँ, मेरे बिल्कुल मेरे दिमाग में है, ज़रूर आपको मिलेगा कि कैसे मैं ये घर को सजा रही हूँ उसका वीडियो। आज मन किया कि कोई अच्छा हिंदी मूवी देखे सब बैठ के, तो हम देख रहे हैं 3 Idiots। और अभी हम खा लेंगे खाना, आजकल हम थोड़ा सा जल्दी खाना खा लेते हैं, मतलब हमारे लिए जल्दी है 9:30। और खाने में जो पापा ने बनाया था वही बनाना फ्लावर और फिश करी, उसके साथ दाल वाल हम नहीं खा रहे, इसको दाल बहुत पसंद है इसलिए ये थोड़ा सा दाल खाएगा। और खाते खाते हम सब फीडबैक देते हैं कि ये कैसा बना है, मुझे पता है अच्छा बना है, मैंने टेस्ट किया है, बट इन लोगों ने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, बहुत सारा बना है ये, इसलिए आज इसके साथ और कुछ चाहिए ही नहीं, और फिश में भी बहुत झोल है। तब तो मैं ऐसे ही उठा के खाई थी, बट अब तो राइस के साथ खा रही हूँ, नमक स्वीट का स्मेल गरम मसाला परफेक्ट। गाइस इट्स ऑलरेडी 1:00, हम डिनर करने के बाद फाइनली 3 Idiots ख़त्म किया और फिर हम थोड़ा सा बात बात करके सोने आ गए। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन आई शुड एंड दिस डे एंड एंड दिस ब्लॉग। और बेबीज भी सारे सो गए हैं, मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ।
दोनों के दोनों गहरे नींद में है और अभी हम भी जा रहे हैं सोने। गुड नाइट गाइज, आई होप दैट यू एंजॉयड दिस ब्लॉग। पापा का वो रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और अगर एंजॉय किया है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, बाय। Guess I can't help myself.